नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जहां एक तरफ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह के पैतृक गांव मंडसा की एक तस्वीर ने पूरे देश को चौंका दिया है। हम आपको दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के पैतृक गांव मंडसा टाउन में किस तरह से कोरोना मरीजों का हाल बद से बदतर है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी कि बैनर्जी की सरकार बनने के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी के 3 MLA बताया जा रहा है हिरासत में लिए गए हैं। इस पर पूरी अपडेट हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब बताया जा रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में कई बड़े में कई मुल्क आ गए हैं। यहां पर यूके, फ्रांस, अमेरिका सहित कई देशों में अब फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से वो मुल्क हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में, हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की भी आ गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने मस्जिद अल अक्सा को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है, हम आपको इसकी भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, हम लोग के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने अब इसराइल को लेकर के एक बड़ा फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की पोल खुल गई है। यहां पर एक फ्रॉड मामले में अश्विनी चौबे का नाम शामिल हो गया, हम आपको इसकी भी आगे तस्वीर दिखाएंगे। वही लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वही पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी बगावत शुरू हो गई है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हमारे देश में कोरोना जिस तरह से लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है, इसको लेकर के पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर से लेकर के गांव तक रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। छोटे कस्बों और गांव का हाल और भी बुरा है। वहां ना तो डॉक्टर है, ना ही अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन और दवा है। ऐसा ही कुछ हाल देश के गृह मंत्री अमित शाह के गांव मटसा का देखने को मिला है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के पैतृक गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। मटसा टाउन में एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें 10 बेड हैं। 4 प्राइवेट हॉस्पिटल में से हर एक हॉस्पिटल में 5 से 7 बेड हैं। मटसा की 3.5 लाख की आबादी में केवल 35 बेड है, यानी कि टोटल आंकड़ा देखा जाए तो हर 10,000 की आबादी पर महज 1 ही बेड देश के गृह मंत्री अमित शाह के पैतृक टाउन के अंदर है। ऐसे में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है और बताया जा रहा है कि बेड ना मिलने की वजह से मरीजों को गांधीनगर तक लाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करने वाली सरकार और सबसे ज्यादा गौर करने वाले गृह मंत्री के पैतृक गांव के अंदर हर 10,000 आदमी के ऊपर सिर्फ 1 ही बेड उपलब्ध है। इस तरह के हालात जो है यानी कि गुजरात के अंदर है और न्यू इंडिया बनाने की बात की जाती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की स्थिति और राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 3 विधायकों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप में सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 30 मई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। विधायक राज्य सरकार और सिलीगुड़ी नगर पालिका पर विफलता का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन मामले पर 3 बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, अब फिलिस्तीन के समर्थन में कई देशों में आवाज उठनी शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, वहीं बताया जा रहा है कि अब अमेरिका के अंदर भी अमेरिका
की राजधानी वाशिंगटन डीसी में काफी संख्या में लोग शनिवार को सड़कों पर उतरे। सभी फिलिस्तीन पर इसराइल के हमले का विरोध कर हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ यूके के अंदर भी बताया जा रहा है कि इंग्लैंड की जनता हजारों की संख्या में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आई है और फिलिस्तीन के समर्थन में इंग्लैंड की जनता यानी सड़कों पर आ गई है। इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के पेरिस सहित कई प्रमुख शहरों की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है और इसराइल के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ साथ जॉर्डन से खबर आ रही कि जॉर्डन के भी लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बांग्लादेश भी बड़ी खबर है। बांग्लादेश भी बताया जा रहा है कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। तो यह बड़ी खबर है, यानी कि फ्रांस, अमेरिका, बांग्लादेश, जॉर्डन और जो है कई और मुल्क जिसमें ईरान और टर्की भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तैयब एर्दोगान, टर्की के प्रेसिडेंट ने मस्जिद अल अक्सा को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मैंने सीरियाई सीमा के निकट जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उस पर मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को अगर कोई भी कोशिश भी करेगा तो उसको हम तोड़ कर रख देंगे। यानी कि तैयब एर्दोगान का कहना है कि जिस तरह से इसराइल जो है मस्जिद अक्सा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका रवैया ये दूर नहीं हुआ तो हम इसराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इसराइल के हाथ पैर तोड़ करके उसके हाथ में दे देंगे। ये जो है तैयब एर्दोगान, टर्की के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर यानी बड़ा बयान दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हम लोग के बीच फिलिस्तीन राष्ट्रपति बोले हैं, जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता तब तक शांति नहीं होगी। ये साफ तौर पर कहा गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक बड़े घोटाले में फंस चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के बाद अब बीजेपी के एक सांसद एम्बुलेंस विवाद में घिर गए हैं। सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार जो है चौबे पर पुराने एम्बुलेंस का दोबारा उद्घाटन का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे ने उन्हीं एम्बुलेंस को फिर से उद्घाटन में उतार दिया जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान SJVN से बक्सर स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था। यानी कि नेताजी ने एक ही एम्बुलेंस को स्टिकर बदल करके बार बार यानी कि उद्घाटन में शामिल करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर अश्विनी चौबे के साथ साथ बीजेपी की आलोचना हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली में बताया जा रहा है कि 24 मई तक फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी बगावत की खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आई तकरार, जाने क्या है। सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लगातार मामला गहराता जा रहा है, जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ का यानी कि जांच शुरू हो गई है, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई कांग्रेस के दिग्गज नेता समर्थन में उतर आए हैं, जिसके चलते पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।